नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला सदर थाना परिसर में एसटीपीओ मनीष चंद्र लाल, नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उराव की अध्यक्षता में गुरुवार को मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही इस दौरान बिजली, पानी, सुरक्षा सहित तमाम आवश्यक चीजों पर चर्चा की गई। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि मुहर्रम त्यौहार को लेकर कोटम, कतरी, टोटो, गुमला सहित विभिन्न अखाड़ों के शांति समिति के लोग मौजूद रहे। वहीं त्यौहार के होने वाले समस्या को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि मुहर्रम पर जुलूस का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सुरक्षा के साथ आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने का सामूहिक निर्णय लिया गया। मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें गुमला शहर के थाने के टोटो, कोटाम और शहर के सभी अखाड़ा के लोग यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोग आपस में अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से इस मुहर्रम पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया है। और जो भी कुछ समस्या है, इस समस्या से हमने उस पर हम लोग विचार विमर्श किए और इसमें किसी पर कोई विघ्न ना आए, इस पर हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इस पर पूर्ण रूप से हम लोग इस पर शांतिपूर्वक और भाईचारे के रूप में इस मुहर्रम पर्व को मनवाएंगे। हम लोग मंगल बाजार के दिन हम लोग अभी विचार विमर्श किए हैं। अभी हम लोग उस जगह को जाकर अच्छे से मुआयना करने के बाद अगर उसमें कुछ तब्दीली हो करने की बात होगी तो हम उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से बात करके हम लोग उसका हम लोग निर्णय लेंगे, ताकि कोई बिघ्न ना आ सके, ना किसी को कोई परेशानी हो सके।